व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम सभी भाइयों को। आज पहला कौन सा दिन है आज? BS6 कौन सा बंद कर दिया भाई साहब? BS3 पेट्रोल इंजन और BS4 डीजल इंजन बंद कर दिया भाई। तो भाई बंद कर दिया केजरीवाल जी ने BS4। पड़ोसी की गाड़ी लानी पड़ रही है भाई। पड़ोसियों की गाड़ी अपनी तो गाड़ी बंद कर, पड़ोसी की गाड़ी लानी पड़ रही है। मेरी अपनी बहन है, अपनी मॉडिफाई हो रही है भाई। मुझे यार एक चीज समझ में नहीं आती, अपने जो श्री श्री महान केजरीवाल जी है, जब ये पहले कहते थे, जब पहले तो हमारे भाई, हम जो हिंदू है ना, हम सारे हिंदू भाई जितने भी है, हमने ना अपने जितने भी त्योहार है ढंग से मनाए नहीं है। क्यों इस बात को मानते हो? बिल्कुल नहीं मनाया भाई। एक ना एक बड़ा त्योहार आता है बड़ा साल में हमारे हिंदू, अगर हिंदू की बात आना तो मैं एक चीज बताता हूँ, हिंदू त्यौहार में ना हम कभी भी किसी को काटते मारते नहीं है भाई। बिल्कुल ये बात बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही करी है। हमारे जितने भी त्यौहार होते ना, किसी बेजुबान की को मारते नहीं है, है ना? मानते एग्री करते ना? नहीं करते हैं आप। यही भाई, यही सनातनी धर्म है। और मैं दूसरा ये बनाना चाहूँ, जितने भी अपने है ना, ये जितने भी अपने हमारे दिवाली आता सबसे बड़ा त्यौहार कहते हैं हिंदुओं का भाई, हमेशा इसमें जो बच्चे बम पटाखे जलाते हैं उनमें ही पता नहीं, और बल्कि तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि बम पटाखे फ्राई कर कर से नहीं, फ्राई कर कर से पोल्यूशन नहीं होता जितना पैरालियों से होता है, पराली से होता है, जितना तुम्हारे फैक्ट्री से होता है। और मुझे एक बात बताओ, श्री श्री महान हमारे केजरीवाल जी कहते थे कि कहते पंजाब के लोग पराली जलाते हैं इस वजह से पॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन इस टाइम उन्होंने अलाउ करा है कि पराली जलाओ। क्यों भाई? पता भी नहीं चला कब चल गई। अब उससे यहाँ पोल्यूशन हो गया ज्यादा है कि पूछो मत। हाँ, और खुद तो कनाडा भग जाएंगे कुछ दिन में, इतना पोल्यूशन है। केजरीवाल जाएंगे बेचारे, केजरीवाल कनाडा भग जाए। हाँ, कुछ पता नहीं है उनका भी। तो मुझे ये समझ में नहीं आती भाई, क्या बजुड़ी यार, पूरी दुनिया में सबको खांसी जुकाम है इस टाइम पे भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं टच वुड भगवान की दुआ से भाई, मोचन मेरे ना कभी आंखों में जलन नहीं हुई भाई। जलन है भाई, मैं रात में सो रहा हूँ, मैं आंख में यूं कर रहा हूँ, मैं मुझे लग रहा मैं फोन चला रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, कभी तो ऐसा कहता हूँ फोन चला रहा हूँ मैं भाई बाहर निकल रहा हूँ एक महीने से, और मेरी आंखों में जलन होने चालू हो गया भाई। एक पूरी आंख लाल हो जाती है, मैं हल्का सी यूं हो जाती है, तो इतनी भाई दिक्कत आ रही है। मतलब कह रहे हैं एयर पोल्यूशन एयर इंडेक्स जो होता है ना, कति पुअर है दिल्ली का, 350 अब देखो भाई चल रही है। अब बहन जो ऑडिबल ला देगा कुछ दिनों में, कहाँ जाएंगे भाई, मर जाएंगे। तो इन पे 4-5 गाड़ियां हैं, हम तो एक ही है भाई, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो ऐसे बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी का मतलब होता है भाई मिडिल क्लास, मतलब एक ही गाड़ी घर में, घर में अगर एक गाड़ी है तो वो तुम्हारी फैमिली मेंबर है। 15 साल का कर दिया सिस्टम इन्होंने भाई लागू, जब से ये आया तब से 15 साल का सिस्टम लागू। जब से केजरीवाल जी आए ना हमारे, जब से भाई फ्री बिजली तो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, सच बताऊँ तो तुम्हें आरा कट रहा है। क्यों भाई? मेरे घर में 3 मेंबर रहते हैं, पापा मम्मी मैं, ठीक है, 4 कमरे हैं, एक हॉल है जिसमें 2 कमरे यूज होते हैं। हम टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, हमारा 5-6 हज़ार रुपये बिल आ जाता महीने का, सच बता रहा हूँ मैं। और पता नहीं कहाँ से आता है इतनी, तो भाई साहब मैं वो नहीं चला रही, गीजर पीजर, मेरा बाप ठंडे पानी से नहावे, मेरी माँ ठंडे, मैं ही था ना हूँ गर्म तय, मेरी तो समझ में नहीं आती भाई। चलो कोई बात नहीं, आएंगे अच्छे दिन। पता नहीं कब, अच्छे दिन भी तो नहीं आ रहे, अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे। चलो कहीं जा रहे हैं, देखो कहीं रास्ते में कुछ मिलता है सिस्टम तो बता दें, ठीक है। और एक चीज और बताऊं, लोचन भाई की गाड़ी है, ठीक है भाई, हम तो चल रहे हैं यार, हम तो तुम्हें पता है पैदाइशी रूल ब्रेकर हम पैदाइशी, हमारी जाति ऐसी गाड़ी। चलो चलते हैं ब्रो।